प्रकृति की पूजा। अब देखो हमारे यहाँ आज आंवला नवमी है, आंवले की पूजा। आंवले की पूजा क्यों करते हैं जरा मुझे कोई बताओ, आप बताओ आंवले की पूजा क्यों होती है? हैं? महिलाएं करती हैं, हम तो कह रहे हैं महिलाएं करती हैं। आप बताओ आंवले की पूजा क्यों होती, साइंटिफिक बताओ, साइंस क्या कहती है? ये तो आप लोग सब जानते हैं माताएं करती हैं, क्यों करती हैं माताएं, क्यों करती हैं? कुछ तो कारण होगा, भगवान का वास है ये तो है, पर साइंस क्या कहता, साइंस के अकॉर्डिंग बताओ। साइंस भैया बताएंगे, आप साइंस पढ़े होंगे, आज के यूथ हैं, बताओ साइंस के अकॉर्डिंग बताओ आंवले की पूजा का क्या महत्व है, क्या है आंवला? चलो छोड़ो पूजा पाठ छोड़ो, ये बताओ आंवले का गुण क्या है? आंवला इस धरती की सारी औषधियों में सर्वश्रेष्ठ औषधि आंवला है। इस धरती पर जितनी औषधि होती हैं, जितनी औषधियों का राजा कौन है? आंवला। इसलिए देखिए दुनिया को आज पता चला कि आंवला प्रोटीन से भरा पड़ा है। आंवला में इतने सारे तत्व हैं, इतनी शक्ति है, आज पता चला। आजकल लोग आंवला की कैंडी खा रहे हैं, मुरब्बा खा रहे हैं, आंवले का अचार खा रहे हैं, आंवले के बने पदार्थ खा रहे हैं। लेकिन हमारे यहां जब साइंस वाइंस कुछ भी नहीं जानते थे लोग, तब सामान्य गांव की अनपढ़ अंगूठा छाप महिलाएं जाके आंवले की पूजा करती, और आज आंवला दान करने की भी बड़ी महिमा है। आंवला दान, आज के दिन आंवला दान करने की महिमा, इसलिए आज आंवला दान जरूर करना चाहिए। आज भगवान को आंवला चढ़ता है, आज आंवले की पूजा, आंवला। अब मैं पूजा पाठ की छोड़ दो बातें, आज केवल ये समझो साइंस कितना गहरा। हम हिंदू जो हैं, हम किसकी पूजा करते हैं? पेड़ पौधों की, और आंवले का पेड़ औषधि से, उसमें भगवान का वास है आंवले में, ये तो हमारी मान्यता है, आध्यात्मिकता है हमारी, भाव है हमारा। लेकिन सामान्य यदि आप अध्यात्म को नहीं जानना चाहते और केवल साइंस को जानते हैं, तो साइंस के अकॉर्डिंग भी मैं आपको समझा रहा हूं कि आंवला सबसे गुणकारी है, और आंवले का सीजन अब है। आंवले को खाने से नाना प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं। आपने सुना होगा च्यवनप्राश, सुना है? च्यवनप्राश में क्या होता है अधिक मात्रा में? किसी भी कंपनी का च्यवनप्राश उठाइए आप, बिना आंवले के च्यवनप्राश बन ही नहीं सकता। यदि आंवले में च्यवनप्राश नहीं है, सॉरी च्यवनप्राश में आंवला नहीं है, तो फिर वो च्यवनप्राश है ही नहीं। और च्यवनप्राश को ध्यान से देखना, उसमें लिखा रहता है कि ये 10 साल उम्र आपकी घटाता है। क्या मतलब है? मतलब आप 50 के हो गए हैं तो आप 40 के लगेंगे। यदि आप एक आंवला, लिख लो मेरी बात, यदि आप एक आंवला रोज खाते हैं सुबह, हम रोज आंवले का रस पीते हैं, पता है आपको, कई बार हम बता चुके हैं, इसलिए हम अपनी आप बीती अपनी घटनाएं आपको इसलिए बताते हैं कि जो अच्छा लगे वो आप ग्रहण करना, क्योंकि पहले मैं फॉलो करता हूं फिर आप तुमको बताता हूं। मैं रोज आंवले का जूस पीता हूं, आंवले का रस, और मैं आंवले का अचार ज्यादा खाना पसंद करता हूं। मैं कोई अचार नहीं खाता ज्यादा, पर आंवले का अचार जरूर खाता हूं, और आंवले का जब तक सीजन रहेगा तो हर 5 दिन में या हर 10 दिन में मैं बोलूंगा कि आंवले का अचार ताजा ताजा रखो, ऐसा रखो कि 10 दिन में खत्म हो जाए, 10 दिन बाद फिर जब आंवले का सीजन खत्म होने लगता है तब फाइनल रखवा लेते हैं कि भाई 2-4 महीना 6 महीना चलेगा, पर जब तक आंवला का सीजन है डट के आंवले का जूस पियो। आंवले का जूस पिलाओ इन बच्चों को, बुद्धि विकसित होगी, आंखों में तेजी आएगी, और सारा शरीर में जितना दोष है, शरीर में जितनी कमजोरियां हैं, जितनी चीजों की, आंवले में कितने गुण हैं आप कभी देख लेना। एक गुण से नहीं भरा आंवला, बहुत सारी चीजें हैं आंवले में, क्या क्या बताऊं, सब कुछ है आंवले में। इसलिए आंवले का रस पीना सीखो, आंवला खाना सीखो, आंवले का अचार ज्यादा खाओ, इससे क्या होगा,
आप 10 साल पीछे रहेंगे, मतलब आप 50 साल के हो गए पर दिखेंगे 40 साल के। आपको कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि आप अभी 40 साल के हैं। आंवला आपको 10 साल पीछे ले जाता है, इसलिए आंवले की पूजा होती है हमारे यहां। सदा आपको स्वस्थ रख, मतलब आपको स्वस्थ रखने में आंवला सहयोगी है। लेकिन आज आप लोग पिज्जा बर्गर चाउमीन तो खाएंगे, आंवला नहीं खाएंगे। पेप्सी कोका कोला तो पिएंगे, आंवले का जूस नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पिएंगे? क्योंकि आप अपनी संस्कृति से अब परिचित नहीं हैं। आप नहीं बता पाए अपने बच्चों को कि आंवले नवमी में आंवले की पूजा क्यों की जाती है, आंवले का साइंस से क्या लेना देना है। हम भारत के लोग हैं, हम तुलसी की पूजा करते हैं। ये देखो, ये तुलसी, तुलसी में क्या गुण है? आज बड़ी बड़ी कंपनियां, दवाइयों की कंपनियां आज तुलसी का अर्क बनाकर बेच रही हैं। बोलो हाँ, आज दुनिया समझ गई कि तुलसी की क्या महिमा है। और हम भारत के लोग जो अनपढ़ थे, जो मूर्ख थे, जो कुछ नहीं जानते थे, यदि कुछ नहीं जानते थे तो तुलसी का गुण कैसे जान गए, कुछ नहीं जानते थे तो आंवले का गुण कैसे जान गए, कुछ नहीं जानते थे तो पीपल को कैसे जान गए। हमारे यहाँ पीपल की पूजा होती है। चलो भैया बताएंगे पीपल की पूजा क्यों होती है, साइंस क्या है इसके पीछे का, ये बताना है आपको। नहीं, आपने अपने धर्म ग्रंथों को, आपने अपने त्योहारों को, आपने अपने शास्त्रों को साइंस से कनेक्ट नहीं किया, इसलिए आप को लगता है कि शास्त्र तो हमारे कोई साइंटिफिक है ही नहीं, ऐसा आप मानते हैं, जबकि हर चीज साइंटिफिक है।